हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए रिव्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे कैनन का 60D DSLR कैमरा। तो दिखने में ये कुछ ऐसा लगता है गाइस, और ये वाला जो कैमरा है ये मैंने सेकंड हैंड लिया है और कीमत मुझे पड़ी अराउंड 150 US डॉलर, ठीक है। लेकिन इस वाले कैमरे की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, कुछ जगह इसमें स्क्रीन के ऊपर स्क्रैच वगैरह है और थोड़ा बहुत इसमें वेयर एंड टियर ज़्यादा है और यूज़ भी है काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, तो इसलिए मेरे को सस्ते में मिल गया। लेकिन उसके बावजूद भी काम ये एकदम परफेक्ट कर रहा है। इससे जो मैंने फोटोज वगैरह लिए हैं एकदम बढ़िया आ रहे हैं, वीडियोज वगैरह सब चीजें, हर एक चीज इसकी एकदम बढ़िया काम कर रही है। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर एक कैमरा और लेंसेज के जेन्युइन एकदम इन डेप्थ रिव्यूज मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको फोटोग्राफी रिलेटेड ट्यूटोरियल टिप्स वगैरह हर एक चीज यहाँ पे मिल जानी है। मेरे चैनल पे अभी फिलहाल एक और कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें कि आप फ्री में DSLR कैमरा जीत सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोज को शेयर करना है। जब चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं नाइकोन का 60D DSLR और उसके अलावा नाइकोन का मेरे पास 70D DSLR है, उनको मैं फ्री में गिव अवे करूंगा अपने एक किसी लकी सब्सक्राइबर के लिए। तो हो सकता है कि आप में से कोई एक बंदा वो कैमरा जीत जाए। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये आपका एक काइंड ऑफ सेमी प्रोफेशनल कैमरा है। तो जैसे अभी की तारीख में कैनन का 80D का कैमरा है, 90D का कैमरा है, जो कि वीडियो के लिए काफ़ी अच्छे हैं। उनमें आपका डुअल पिक्सल ऑटो फोकस है और जो उसमें आपके बटन्स वगैरह का लेआउट होता है, बॉडी थोड़ी रोबस्ट होती है, ऊपर इसमें टॉप में इस टाइप की टॉप LCD स्क्रीन होती है। तो इस वाले कैमरे में भी आपको वही सब फीचर्स मिल जाती है। लेंसेज को आप माइक्रो एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि आप 80D में करते हो या 70D में करते हो, और हर एक चीज़ के लिए आपको डेडिकेटेड बटन्स मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे पीछे में ये वाला एक डायल भी मिल जाता है, जो कि आपका जो इससे लोअर रेंज के कैमरा होते हैं जैसे कि 650D, 600D या 1100D, 1200D उनमें नहीं होता। तो और इसमें आपका थोड़ा सा चीज़ों को, सेटिंग्स को चेंज करना थोड़ा इजी रहता है। ग्रिप इसकी अच्छी रहती है, बैटरी लाइफ इसकी ज़्यादा रहती है, वेदर सील्ड रहता है। तो अगर आप किसी बेकार वेदर वगैरह में इसको यूज़ करोगे, हल्की फुल्की बारिश वगैरह हो रही है, मॉइस्चर है, डस्ट है, तो ये थोड़ा बेहतर आपका रहेगा। और उसके अलावा इसका ऑटो फोकस भी जो इससे लोअर रेंज के कैमरा है उनसे थोड़ा बेहतर रहता है। तो अब इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये कैमरा लॉन्च हुआ था 2010 में, तो उस हिसाब से ये ऑलमोस्ट 11 साल पुराना हो चुका है गाइस। अगर हम इसके ISO रेंज की बात करें तो इसकी ISO रेंज होती है 100 से लेकर 6400 तक नेटिव, जिसको कि हम एक्सपेंड करके 25,000 तक ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको 25,000 पे ले जाओगे तो आपको इमेज में काफ़ी ज़्यादा ग्रेन्स आएंगे। तो आप कोशिश करना कि जो इसकी नेटिव ISO रेंज है जो कि 6400 तक है, तो आप उसको एक्सीड ना करें, तो उसी रेंज के आप अंदर रह गए। इसमें आपका 18 मेगापिक्सल का CMOS सेंसर है और ये आपका क्रॉप सेंसर कैमरा है, ये फुल फ्रेम कैमरा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें आपका 1.6 टाइम का क्रॉप फैक्टर होगा, जो कि कैनन के सभी कैमराज में होता है गाइस, ठीक है। आगे अगर हम इसकी बात करें, अगर इसकी वीडियो स्पेसिफिकेशन की हम बात करें, तो ये फुल HD में आपकी वीडियो शूट कर सकता है 30 फ्रेम पर सेकंड तक, ठीक है गाइस। 60 फ्रेम पर सेकंड नहीं करता है, जो 30 फ्रेम पर सेकंड ये शूट करता है गाइस। अगर हम इसके कंटिन्यूस शूटिंग मोड की बात करें तो ये एक सेकेंड में 5 फोटोज खींच सकता है, तो दैट इज इसमें 5 फ्रेम पर सेकंड का इसका कंटिन्यूस मोड है। तो अगर आप इसको कंटिन्यूस बर्स्ट मोड पे डाल दो तो ये 5 फोटो एक सेकंड में क्लिक कर देगा गाइस। उसके अलावा अगर हम ऑटो फोकस पॉइंट्स की बात करें तो इसमें 9 ऑटो फोकस पॉइंट है और सारे के सारे क्रॉस टाइप हैं। तो क्रॉस टाइप वाले जो है आपके थोड़ी ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, तो उसमें आपको ऑटो फोकस थोड़ा ज़्यादा बेहतर मिलता है। तो अगर आप इसको 70D से कंपेयर करें, 70D में आपके 19 ऑटो फोकस पॉइंट है और 70D में आपका डुअल पिक्सल ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये जो आपका कैमरा है कैनन 60D, इसमें आपका डुअल पिक्सल ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसलिए वीडियो में आपको इतना अच्छा ऑटो फोकस इस वाले कैमरे से नहीं मिलेगा। अगर आप विदाउट STM वाला लेंस यूज़ कर रहे हो या आप इवन STM का भी लेंस यूज़ कर रहे हो तो ये थोड़ी हंटिंग करेगा। जैसे अभी मैं वीडियो अपनी शूट कर रहा हूँ, तो अगर मैं आगे पीछे या ऐसे इधर उधर मूव करूँगा, तो अगर आप ये वाला कैमरा यूज़ कर रहे हो तो ये मेरे चेहरे पे हंटिंग करेगा। कभी ये पीछे जो बैकग्राउंड में गिटार दिख रहा है आपको, उस गिटार पे फोकस करेगा, कभी मेरे चेहरे पे फोकस करेगा, और फोकस की नॉइज़ बहुत ज़्यादा आएगी। तो वीडियो अगर आपको इस पर शूट करनी है, ये बहुत अच्छी वीडियो शूट कर सकता है, लेकिन आप
वीडियो में जो कंटिन्यूस ऑटो फोकस है उसको ऑफ कर देना, आपको जिस जगह पे फोकस रखना है आप वहां पे फोकस को लॉक कर देना, और फिर उसके बाद आप AF सर्वो को ऑफ कर देना, फिर वो फोकस आपका उसी जगह फिक्स रहेगा तो कैमरा आपका हंटिंग नहीं करेगा। इसमें आपको 3 इंच की ये आपको LCD स्क्रीन मिल जाती है, काफ़ी अच्छी LCD स्क्रीन है, लेकिन ये टच स्क्रीन नहीं है, 70D में आपको टच स्क्रीन मिल जाती है, तो ये एक इसमें ड्रॉबैक आपको मिल जाता है। अगर हम इसकी डायनेमिक रेंज की बात करें तो 11.3 की इसकी डायनेमिक रेंज है, जो कि ना कि बहुत ज़्यादा है ना कि बहुत कम है। अगर आप इसको नाइकोन के कैमरा से कंपेयर करो तो उनकी डायनेमिक रेंज जो इस प्राइस ब्रैकेट में कैमरे आ रहे हैं इससे मिलते जुलते, जैसे कि D5200 या D5300, तो उनकी डायनेमिक रेंज ऑलमोस्ट 14 के आसपास है, तो इसलिए वो वाले कैमरे आपके लैंडस्केप फोटोग्राफी पोर्ट्रेट वगैरह के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आपको लैंडस्केप फोटोग्राफी वगैरह करनी है तो ये कैमरा इतना अच्छा नहीं है, तो और इवन वीडियोग्राफी में भी उनमें, क्योंकि आपका जो किट लेंस आता है वो आपका AFP वाला किट लेंस आता है, वो ऑलमोस्ट साइलेंट होता है, इसमें आपका STM वाला लेंस नहीं आता, और इसमें क्योंकि डुअल पिक्सल ऑटो फोकस नहीं है तो ये इतना अच्छा नहीं है वीडियो के लिए। आप इससे वीडियो बेशक बना सकते हो क्योंकि इसमें फ्लिप आउट स्क्रीन है, पर ये इतना भी बेहतरीन ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है गाइस, अगर हम इसकी लुक्स की बात करें तो यार बड़ा सॉलिड कैमरा, मैं एक बार आपको इसको क्लोजअप में दिखा देता हूँ कि इसमें कैसे कैसे बटन है। तो अब मैं कैमरे के पास ले जा रहा हूँ इसको, तो आप देख सकते हैं कि ये दिखने में कुछ ऐसा दिखता है। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें एक एक्स्ट्रा डायल है नीचे, जो कि आपके एंट्री लेवल वाले कैमराज में नहीं होता। इसकी जो आपकी व्यू फाइंडर है वो भी थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, ग्रिप वगैरह हर चीज़ के लिए इसमें काफ़ी अच्छा बटन का लेआउट है, तो काफ़ी कंफर्टेबल लगता है ये। इवन अगर आपको फोटोग्राफी करनी है तो आपके लिए चीज़ें सेटिंग्स वगैरह को चेंज करना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें ये बटन्स और ये जो डबल व्हील दिया हुआ है उसका काफ़ी आपको फ़ायदा मिल जाता है। टॉप से देखोगे आप इसको तो ऑलमोस्ट यार वैसा ही है जैसे कि कैनन के सारे कैमरे होते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन इसमें क्योंकि आपको टॉप में एक LCD स्क्रीन मिल जा रही है तो उससे आपके लिए सेटिंग्स वगैरह को देखना काफ़ी ईजी हो जाता है गाइस, क्योंकि आप टॉप में आप अपनी शटर स्पीड, अपर्चर क्या है, क्या मीटरिंग है, क्या ISO है, ये सारी की सारी सेटिंग आप इस टॉप की LCD स्क्रीन में देख सकते हो। तो आपको बार बार मेनू में जाके पीछे की स्क्रीन में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती हुई। ठीक है गाइस, तो उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा कैमरा है कि क्योंकि इसमें बटन्स वगैरह का लेआउट काफ़ी अच्छा है। SD कार्ड इसमें यहाँ पे साइड में पड़ता है, इसमें सिर्फ एक ही SD कार्ड की स्लॉट है जो कि यूजुअली इस रेंज के कैमराज में होती है। अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हो तो कोशिश करना कि ऐसा कैमरा लो जिसमें आपकी 2 मेमोरी कार्ड स्लॉट हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका एक SD कार्ड खराब हो गया तो आपने जो वेडिंग लोगों की शूट की है वो शादी तो दोबारा नहीं होगी, तो उनके सारे पिक्चर्स खराब हो सकते हैं या उनके सारे पिक्चर्स चले जाएं। तो जैसे कि कैनन D7000 हो गया, D7100 हो गया या 7200, तो उनमें आपके डुअल कार्ड स्लॉट होते हैं, सॉरी नाइकोन D7000, D7100 और 7200, तो वो काफ़ी अच्छी चॉइस रहते हैं। ऐसे ही अगर कैनन की बात करो तो कैनन में आपका 5D Mark II और 5D Mark III, उनमें आपका डुअल कार्ड स्लॉट मिल जाता है आपको, तो वो वेडिंग के लिए अच्छे रहेंगे गाइस। तो अब इसकी मैं अच्छी बातों के बारे में बात कर लेता हूँ गाइस। तो अभी मैं जैसे जैसे बात कर रहा हूँ तो मैं स्क्रीन पे इससे लिए हुए सैंपल फोटोज डाल देता हूँ गाइस। और जब मैंने इससे लिए हुए जो सैंपल फोटोज लिए थे तो मैंने ये 18-55 वाला किट लेंस जो इसमें अभी लगा हुआ है वो यूज़ नहीं किया था, मैंने 40mm f/2.8 वाला STM का प्राइम लेंस यूज़ किया हुआ था, वो बहुत ही बेहतरीन लेंस है। तो आप अपनी स्क्रीन पे ऑलरेडी देख सकते हैं कि कितने प्यारे और कितने बेहतरीन फ़ोटोज़ इससे निकल के आए हैं। और पर्सनली अगर मैं बात करूँ फ़ोटोज़ के लिए तो मुझे ये कैमरा बहुत बेहतरीन लगा, बहुत ही प्यारे, बहुत ज़बरदस्त इसने फ़ोटो निकाले हैं, ऑलमोस्ट फुली प्रोफेशनल ये कैमरा है। जब मैं इसको यूज़ कर रहा था तो यूज़ करने में बड़ा ईजी लगा, ग्रिप इसकी इतनी अच्छी थी, हाथ में होल्ड करने में अच्छा है, फोटोग्राफी के लिए यार बहुत प्यारा कैमरा है, बहुत अच्छे फोटो खींचता है। इवन आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे फोटोज आए हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी। इवन लो लाइट परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी अच्छी है, इसकी ISO रेंज भले ही 100 से लेकर 6400 तक हो लेकिन उसके बावजूद भी लो लाइट में काफ़ी अच्छे ये फोटोज निकालता है, क्योंकि इसका सेंसर काफ़ी अच्छा है गाइस। अगर आप इसको कंपेयर करोगे कैनन 1100D से या 1000D से तो उनसे तो बहुत अच्छा है। इवन कैनन 500D और 550D से इसकी परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अगर अब मैं बात करूँ अगर इसके ऑटो फोकस की तो इसका ऑटो फोकस भी काफ़ी अच्छा था, फोटोग्राफी में बहुत ईजिली ये फोकस को ग्रैब कर लेता है गाइस। तो फोटोग्राफी के लिए इसको मैं पूरे मार्क्स दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत ही अच्छे हाई लेवल का इससे फोटोग्राफी का काम कर सकते हो। अगर आप आज की तारीख में
स्टूडियो में शूट करते हो या आप इंस्टाग्राम वगैरह के लिए अपने दोस्तों के फोटोज लेते हो या आप कैंडिड फोटोग्राफी वगैरह करते हो या आउटडोर या प्री वेडिंग फोटोग्राफी, तो आप बेशक बहुत आराम से इस कैमरे को यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसमें आपकी फुली आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन है। तो अगर आप जैसे ज़मीन पे लेट के लो एंगल वाले शॉट्स वगैरह लेते हो तो वो आपके लिए लेने बहुत ईजी हो जाएंगे, आप किसी भी डायरेक्शन में इस स्क्रीन को फ्लिप आउट वगैरह कर सकते हो। गाइस अब हम बात कर लेते हैं इसकी वीडियो क्वालिटी इससे कैसी निकल के आती है। गाइस तो इसमें वीडियो में क्योंकि इसमें डुअल पिक्सल ऑटो फोकस नहीं है तो ऑफकोर्स ये थोड़ी सी हंटिंग करेगा गाइस, तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि यार आप एक बार जब वीडियो आप स्टार्ट कर दो तो आप इसका जो AF सर्वो मतलब जो कंटिन्यूसली फोकस करने की कोशिश करता है आप उसको ऑफ कर दो ताकि ये बार बार इधर उधर हंट ना करे, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कर दोगे तो आप इससे बहुत ही बेहतरीन वीडियो निकाल सकते हो। तो अब आगे मैं स्क्रीन पे जो मैंने इस कैमरे से वीडियोस निकाली है मैं आके डाल लेता हूँ तो आप खुद देख पाएंगे कि इससे कैसी वीडियो की क्वालिटी निकल के आती है। गाइस हेलो गाइस, जो आप अभी वीडियो देख रहे हो डायरेक्टली कैनन 60D कैमरा से है और इसमें मैंने 40mm का f2.8 का STM वाला प्राइम लेंस लगाया हुआ है और जो ऑडियो है वो डायरेक्टली कैमरा के बिल्ट इन माइक से है। तो मैंने ऑलरेडी ऑटो फोकस लॉक कर लिया है तो आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन इमेज क्वालिटी इस वाले कैमरा से निकल के आ रही है और इवन ये वाला जो लेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है तो इससे आपको बहुत ही एक्सीलेंट शार्प इमेज क्वालिटी निकल के आ जाती है। इस वाले कैमरा में आप जो ऑटो फोकस है वीडियो के दौरान चेंज कर सकते हो। तो अगर मैं लेट्स से कि इस वाली बेंच पे फोकस करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि अब ये इस पे ऑटो फोकस हो गया है। अगर मैं इसको कहीं और अब ऑटो फोकस करना चाहूँ तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि इससे आपको कैसा बैकग्राउंड ब्लर मिल जाएगा। तो मैं ये जो बोर्ड है इस पे ऑटो फोकस करूँगा और अब ये ऑटो फोकस हो गया है तो आप देख सकते हैं पीछे की चीज़ें हल्की हल्की धुंधली और ये चीज़ एकदम क्लियर और शार्प है। तो मैं थोड़ा सा और आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, जैसे ये पत्ता है अब मैं इस पत्ते के ऊपर ऑटो फोकस करूँगा तो आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि बैकग्राउंड ब्लर कैसा है। आप देखो ये पत्ता एकदम शार्प है और पीछे का बैकग्राउंड ब्लर एकदम पूरी तरीके से ब्लर्ड आउट हो गया है और इसमें आपका जो ऑटो फोकस है बिल्कुल भी हंटिंग नहीं करता, बहुत ही फास्ट इसका ऑटो फोकस है। तो वीडियो के लिए ये कैमरा बहुत अच्छा है। इस वाले कैमरे में आपको फ्लिप आउट स्क्रीन भी मिल जाती है जो कि सेल्फ व्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो मैं आपको और थोड़ा सा ऑटो फोकस को टेस्ट करके दिखा देता हूँ। देखो कितना स्मूथली इसने ऑटो फोकस ग्रैब किया और एक बार ये ग्रैब कर लेता है तो आवाज़ भी नहीं करता, तो वीडियो के लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी साइलेंट इसका ऑटो फोकस है। गाइस ओके गाइस, पर्सनली मुझे तो इससे निकली हुई वीडियो काफ़ी अच्छी लगी, कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। जो जो इसमें ऑलरेडी प्रॉब्लम होती है वीडियो में वो मैं बता चुका हूँ क्योंकि डुअल पिक्सल ऑटो फोकस नहीं है इसमें, तो थोड़ी सी हंटिंग वगैरह हो सकती है गाइस, ठीक है। अब हम फाइनल कंक्लूजन की बात कर सकते हैं कि क्या ये कैमरा आपको 2022 में लेना चाहिए, आज की तारीख में ये लेना क्या आपके लिए अच्छा रहेगा और अगर आप लें तो कितने पैसे में इस कैमरे को लें। तो गाइस अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करो तो इवन आज की तारीख में भले ही इसमें डुअल पिक्सल ऑटो फोकस ना हो फिर भी ये फोटोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छा कैमरा है, रोबस्ट कैमरा है, बहुत ही शानदार ये फोटोज खींचता है। वीडियो का भी आप इससे काम कर सकते हो अगर आप खुद बैठ के अपने YouTube के लिए वीडियो बनाते हो तो, क्योंकि इसमें एक फ्लिप आउट स्क्रीन है आपके लिए तो आपके लिए काम थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर आप किसी और की वीडियो शूट करते हो, आपको अपनी खुद की वीडियो शूट नहीं करनी औरों की वीडियो शूट करते हो तब तो इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं क्योंकि आप कैमरे को पीछे से ऐसे ऑपरेट करोगे तो आपको जहाँ भी फोकस सेट करना है आप आराम से कर सकते हो और फिर आप AF सर्वो को ऑफ कर सकते हो या फिर आप मैनुअली फोकस करके फोकस रिंग को घुमा के आप फोकस को मूव करके आप सिनेमेटिक वीडियो आराम से बना सकते हो। अगर आपका ये यूज केस है तो बेशक आप इस कैमरे को इवन आज की तारीख में ले सकते हैं। लेकिन गाइज अगर आपको बहुत ज़्यादा फोकस की ट्रैकिंग चाहिए कि अगर आप लेट से अपनी खुद की वीडियो शूट करते हो और वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा मूव अराउंड करना है और आपके पास कोई ऐसा नहीं है इंसान की जो आपके लिए वीडियो में फोकसिंग वगैरह कर सके तो तब आप मे बी आप ये कैमरा मत लें, तब आप कैनन का 70D ले लें क्योंकि उसमें आपका डुअल पिक्सल ऑटो फोकस है या कैनन 200D क्योंकि ये दो जो कैमरा है 70D और 200D ये दो कैनन के सबसे चीपेस्ट कैमरा है जिसमें आपको डुअल पिक्सल ऑटो फोकस मिल जाता है और साथ में आप उनके STM वाला लेंस यूज़ करें ताकि आपको ज़बरदस्त ऑटो फोकस वीडियो में मिल जाए गाइस। लेकिन अगर आपको फिर भी ये कैमरा लेना है आज की तारीख में तो मैं आपको प्राइस बता देता हूँ।
मुझे तो ये कैमरा बहुत ज़्यादा सस्ता इसलिए मिल गया कि क्योंकि इसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। ये जो इसकी स्क्रीन है इस पर थोड़े स्क्रैच हैं, उसके अलावा यहाँ से कोने से एक जगह से इसमें काफ़ी डेंट सा हो रखा है, तो मेरे ख्याल से उस बंदे का जिसने मेरे को सेल किया कहीं पर टकरा गया होगा। बट उसके बावजूद भी काम एकदम बढ़िया कर रहा है, कोई भी इसमें ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, सारे लेंसेज अच्छे काम कर रहे हैं, फोटो शानदार ले रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियोज भी अच्छी ले दे रहा है। अगर आपको अच्छी कंडीशन में ये कैमरा मिल रहा है तो ये कैमरा आपको मेरे ख्याल से $200 में 18-55 वाले किट लेंस के साथ आज की तारीख में मिल जाना चाहिए। तो $200 आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप $200 को अपनी पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें, इंडिया में अगर आप हैं तो आप $200 को कन्वर्ट कर लीजिए। मेरे ख्याल से अभी शायद 70-75 का चल रहा है, तो 15-16 हज़ार के आसपास बैठता है, तो हो सकता है आपको 1-2 हज़ार रुपये ऊपर मिले। तो अगर आपको 17-18 हज़ार में या 16 हज़ार में, अगर मैं 16 हज़ार की बात करूँ तो 16 हज़ार इंडियन रुपये इस कैमरे के लिए काफ़ी अच्छा प्राइस रहेगा। और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप उसी हिसाब से कन्वर्ट कर लीजिएगा कि आपके यहाँ की करेंसी की वैल्यू कितनी है गाइस। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे जैसे ही मैं कोई भी नई वीडियो अपने चैनल पे लाता हूँ। आप लोगों का प्यार ऐसे ही रहेगा तो हम इस चैनल को और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, और फिर इस चैनल से जितनी भी अर्निंग्स वगैरह होंगी मैं आप लोगों को उस अर्निंग से लेंसेज और कैमरा फ्री में गिव अवे कर सकता हूँ। और मेरे को आप इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आपके आप यहाँ पे कमेंट में भी डाल सकते हैं या इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मेरे को पर्सनल मैसेज आप कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ हर एक बंदे को हमेशा रिप्लाई करूँ गाइस। तो गाइस फिर हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नए कैमरा रिव्यू के साथ। तो आप लोग अपना ख्याल रखना और मिलते हैं अगली वीडियो में। अलविदा।